हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। 6 बजने में अभी 10 मिनट कम ही था और प्लान तो हम लोग का था 5 बजे ही जाने का, पर 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग सो के उठे हैं। बस कपड़े वगैरह कुछ नहीं चेंज किए हैं, बस ऐसे ही मुंह धुल के बाल वाल बना लिया है और बस जा रहे हैं हम लोग अभी गंगा जी, और वहीं पे हम सब लोग नहा लेंगे और वहीं से जल लेकर हम चले जाएंगे बाबा विश्वनाथ उनको जल ढारने। सावन का पावन महीना चल रहा है और जैसा कि मतलब हम लोग सावन में एक दिन, मतलब सोमवार हो या चाहे जो भी दिन हो, तो एक दिन हम लोग जरूर जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी को जल धारने। तो आज का दिन मैं आपको बता दूं, बुधवार है और तारीख है 3 अगस्त और सुबह के हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग जब तक पहुँचे ना तब तक बज गए थे 7, क्योंकि सुबह का समय था तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पहुँच गए। वैसे तो अगर दोपहर के समय या शाम के समय आते तो हम लोग को पक्का 1 घंटा लग जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और सुबह के समय में ट्रैफिक नहीं होता है तो हम लोग जल्दी मतलब पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए अगल बगल कितना सारा व्यवस्था किया गया है कांवरियों के लिए, कांवर रखने के लिए, और जगह जगह खिचड़ी वगैरह जो है वो प्रसाद में मिल रहा था कि कांवरिया जो है वो लोग खा लें, और पानी का भी व्यवस्था था जगह जगह पे कि जो कांवरिया लोग के लिए ही ये सब था कि वो लोग अपना आराम से हर चीज़ खाते पीते अपना बाबा विश्वनाथ जी को अपना जल अर्पण करें। और थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप ले लिया था अगल बगल का कि क्या क्या बिक रहा है यहाँ पे। पूरा शिव जी का ही, मतलब अभी पूरा जो ये नगरी है ये अभी पूरा बाबा विश्वनाथ जी के मतलब धुन में खोया हुआ है। तो अभी देखिए चारों तरफ उनके कपड़े मिल रहे थे, रुद्राक्ष की माला मिल रही थी, और ये देखिए छोटा सा बच्चा जो है वो शिव जी बना था तो मैंने थोड़ा सा ये भी ले लिया। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। अभी तो आपने भीड़ कम देखी है पर आगे घाट पे इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह शाम की भीड़ होती है, बाकी दिन में तो इतना भीड़ यहाँ नहीं होता है और सुबह शाम में ही भीड़ होता है। जब घाट पे हम लोग पहुँचे तो गंगा जी पूरी मतलब ऊपर तक आ गई थी और जगह जगह रस्सी से पूरा नाव से घेरा गया था कि यहाँ पे जो है कोई डूबने उबने का किसी का कोई चांस ना रहे, कोई नाव तक ना जाए ना रस्सी क्रॉस करे। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आप लोग रस्सी तक मत जाइए। काफ़ी सारी व्यवस्था यहाँ पे, बहुत अच्छा मुझे लगा इतना सारा व्यवस्था देख के। तो अभी देखिए हस्बैंड भी चले गए हैं लुटिया लेने के लिए, जिसमें हम लोग गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ जी के मतलब मंदिर में जाएंगे, वहाँ चढ़ाएंगे। तो वही गैलन लेंगे या छोटी सी लुटिया लेंगे, देखिए क्या लेते हैं। तो सब 10-10 रुपये में मिल रहा था, यही जो हस्बैंड हाथ में पकड़े हैं 2 लुटिया ये लोग लिए थे और बाकी प्रसाद था। प्रसाद तो हम लोगों ने बाद में लिया। और ये देखिए घाट का नज़ारा कुछ इस तरह है, पूरा पानी हो रखा था और थोड़ा सा भी अगर संभल के हम नहीं चलते तो हम पक्का गिर जाते। तो आप देख लीजिए क्या नज़ारा, मेरा हाथ इतना ऊपर जा भी नहीं रहा था कि मतलब मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, और सेल्फी स्टिक जो है वो मैं भूल गई थी लाना। तो आपको मैं दूर से ही दिखा रही हूँ कि देखिए पानी का जो बहाव है, बाढ़ की वजह से इतना ज़्यादा पानी आया है। वैसे हमारे यहाँ तो पानी एक दिन भी नहीं बारिश, मतलब बारिश हुआ बस फुहारे जैसे फुहारा होता है ना हल्का, बस वैसे हो गया है अभी तक। पूरा सावन जो है वो सूखा जा रहा है पानी के नाम पे। अभी जो बोली जाती है ना, एक बारिश होती है कि पूरा दिन रात हो, पूरा मतलब अंदर से अच्छा लगे, वैसी बारिश यहाँ पे एक दिन भी नहीं हुई है। डेली अभी 7:30 हो रहा है और धूप आप देख सकते हो, धूप कितना कड़ा हो गया है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि घाट पर भीड़ देखो, भीड़ तो इतनी काफ़ी थी कि कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों के साथ कैसे हम लोग नहाएंगे। फिर भी किसी तरीके से हम मतलब गंगा जी के अंदर गए और फिर छवि को देखे किस तरह से इंजॉय कर रही है। बच्चे तो बिल्कुल आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे कि मम्मी हम लोग यहीं पे अभी और नहा लें, थोड़ी देर बैठिए बाद में चला जाएगा। लेकिन हमें पूजा भी करनी थी और विश्वनाथ जी का लाइन तो इतना लंबा लगा था ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। 2-3 किलोमीटर आगे से मतलब गोदौलिया के अंदर थोड़ा सा आप जाएंगे ना तो वहीं से लाइन लग गई थी और हम लोग वहीं से लाइन लगाए थे। फिर हम लोग को 1 घंटे बाद जाके विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ और भव्य दृश्य था उनका दर्शन का, मैं क्या बताऊँ, मैं वो नज़ारा आपको बता नहीं सकती।
अगर दिखाना होता तो आपको दिखाती, पर क्या बताऊँ, जैसे ही मतलब हम लोग गोदवलिया के मतलब विश्वनाथ जी की गली के अंदर जैसे ही एंट्री हुए, वहीं पे हमारा फ़ोन, हमारे जितने भी सामान थे सब जमा हो गए थे। इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, ना रास्ते का रिकॉर्ड कर पाई, ना ही आगे का कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मेरा बड़ा मन था आप लोग को दर्शन कराने का, विश्वनाथ जी का, कि आप लोग को भी थोड़ा सा दर्शन करा दूँ, पर ऐसा नहीं हो पाया। हमारा फ़ोन जो है वो पहले ही जमा हो गया था, और जितना भी मतलब सामान था, चाबी घर का था और कपड़े थे, ये सब हम लोग यहीं पे जमा करके फिर आगे गए थे। और हमारा पूजा हो गया, फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि कोई भी काम नहीं किया, बस खाना बनाया, खा के बस सो गई और कुछ भी नहीं कर पाई। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, तो आप सभी को जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मैं थोड़ा सा इधर का ले रही थी, जब मुझे मोबाइल मिल गया ना तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा ले लिया कि विश्वनाथ जी की गली के अंदर का आप लोग को दिखा दूँ कि कैसा दिखता है जहाँ विश्वनाथ जी का गली है। तो यहाँ देखिए पान है, साड़ी है, चूड़ियाँ, तो एक से एक चूड़ियाँ मिल रही थी, और पान के एक से एक वेरायटी मिल रहे थे। आपको पता ही है कि बनारस में मशहूर है पान, तो पान की ऐसी ऐसी वेरायटी मिल रही थी कि क्या बताऊँ, पर पान हम लोग खाए नहीं। तो अभी चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर